बिहार में प्रदेश में फैली अराजकता, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, लोग घरों में नहीं है सुरक्षित। कांग्रेस ने कहा था कि वह सत्ता में आते ही किसानों का ऋण माफ करेगी, जो को खोखला वादा साबित हुआ। वहीं कई योजनाएं भी बंद हो गईं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक साथ कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। वहीं कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश वार्ताकार एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेश सोलंकी सहित भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लोगों में भय का माहौल है। किसानों का कर्ज माफ करो, माफ करो। कांग्रेस सरकार झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, जो उसके पूरे समय साथ है, और ये सब विश्व के पूरे देश भारत के साथ इसलिए खड़े हो गए क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम इस समय सरकार के साथ हैं। लोगों के ध्यान में आएगा कि पूरा भारत देश एक साथ खड़ा है। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश नहीं चाहता है, ऐसे कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। सभी जिला मुख्यालयों में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। वास्तव में कमलनाथ सरकार ने 3 महीने में जो निकम्मापन दिखाया है, तो जनता के प्रति जो संवेदनहीनता का परिचय दिया है, और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना का और भारत में देशभक्त लोगों का अपमान कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये धिक्कार दिवस का आज हमारा पूरा कार्यक्रम है। वास्तव में कमलनाथ जी जो किसानों को जो वादे किए थे, जो बेरोजगारों को वादे किए थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम जल्दी जल्दी से देश के अंदर विकास करेंगे, प्रदेश के अंदर विकास करेंगे, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गहमा गहमी और कुशासन का दौर शुरू हुआ है, जनता इससे बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उनको याद भी आ रही है। इसलिए इस धिक्कार दिवस के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी को एक चेतावनी देना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार को मध्य प्रदेश की चेतावनी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में गुना संसदीय क्षेत्र में इतना उत्साह है कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी 8 विधानसभाओं में माननीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 16,000 से हारे हैं, और मैं नया जिलाध्यक्ष बना हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद गुना लोकसभा सीट इतिहास रखने वाली है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के, जो घरों तक मिलने जा रहा हूँ, कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस बार चुनाव जीत नहीं सकते,